नमस्कार भाइयों, नमस्कार। मैं इसे बाद में आज हम प्रांगण में जहाँ पर आज एक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, आज अब से कुछ ही समय बाद महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल इस कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और इसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से और कृषक उत्पादक संगठन के प्रमुखों से संवाद करेंगे। इस उपलक्ष्य में आज देखिए किसान मेले का आयोजन यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरनगर पर किया जा रहा है। इसी किसान मेले में इफ्को के द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया है, तो इस पर आजकल नैनो यूरिया की काफ़ी चर्चा हो रही है जो कि किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी जानकारी में काफ़ी उपयोगी जानकारी भी है और ये किसानों के लिए लाभकारी भी है। तो इसके नैनो यूरिया के बारे में जानते हैं, हमारे साथ हैं इफ्को के उप महाप्रबंधक आदरणीय श्री योगेंद्र कुमार जी जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं उप महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो आज विशेष रूप से नैनो यूरिया के बारे में किसानों को बताएं, कैसे ये काम करता है, कैसे प्रयोग किया जाता है और कितनी मात्रा प्रति एकड़ इसकी इस्तेमाल की जाती है, सारी विस्तार में जानकारी इसके बारे में उप महाप्रबंधक जी प्रवीण कुमार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बताया है कि हमारे प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम राज्यपाल इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी और इसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं उसी कड़ी में इफ्को के द्वारा स्टॉल लगाया गया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आज का टीम है ये सब जैसी तकनीक प्रथम बार नैनो यूरिया का आविष्कार किया गया है। किसान भाइयों, जो भी हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं अपनी खेती में तो उसका मात्र 20-40% ही हमारी फसलें उपयोग कर पाती है, बाकी सब वो लीचू के द्वारा ट्यूबलेट के द्वारा वायुमंडल में फिर जमीन के नीचे जाकर नष्ट हो जाता है जी, उसको हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं। दूसरी बात, जो भी हम रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं वो हमारी जमीन की स्ट्रक्चर को भी खराब कर रहा है, हमारे पानी को भी प्रदूषित कर रहा है, हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित कर रहा है और आने वाला जो समय है किसान भाइयों वो नैनो यूरिया का है, क्योंकि नैनो यूरिया जो भी हम रासायनिक खाद प्रयोग कर रहे हैं उसका मात्र 30-40% ही हमारी फसलें ले पाती है, बाकी वेस्टेज हो रहा है। और नैनो यूरिया 80-90% जो भी हम खेत में उपयोग कर रहे डाल रहे हैं उसका हमारी फसलें उपयोग कर रही हैं। ये नैनो तकनीक पर आधारित जो नैनो यूरिया बनाया गया है इसके क्या फायदे हैं किसान भाइयों? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये हमारी फसल के मृदा स्ट्रक्चर को खराब नहीं करता है, हमारी मृदा के पानी को खराब नहीं करेगा और एक वायुमंडल को भी प्रदूषित नहीं करेगा। और चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है किसान भाइयों, जितना भी हम खाद बना रहे हैं उसका लगभग 150 लाख मेट्रिक टन के आसपास बाहर से आयात करना पड़ता है, जिस पर बहुत भारी मात्रा में सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है और इस पर अनुदान के रूप में कुछ नहीं देना है, सिर्फ 240 रुपये की एक होटल है और 220 रुपये में हम उसको किसान को उपलब्ध करा रहे हैं या जो समितियाँ हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं, 20 रुपये का मार्जिन रिटेलर का होता है। किसान भाइयों, इसके उपयोग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी हमारी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं और जो अनाज वाली फसलें हैं उनमें 2 ml 1 लीटर पानी के साथ, हमारी टंकी 15 लीटर की है तो उसमें 30 ml धान वाली फसलों में और अन्न वाली फसलों में और दलहनी तिलहनी में, और जो हमारी गन्ने की फसल है किसान भाइयों तो उसमें 4 ml 1 लीटर के साथ, 15 लीटर की टंकी में 60 ml हो गया है पर टंकी के हिसाब से इसका उपयोग करेगा। इसका ध्यान रखने की बात यह है किसान भाइयों कि इसके 2 स्प्रे यदि आप 15-15, 20-20 दिन के अंतराल पर करेंगे तो हमारी फसलों की पैदावार निश्चित तौर पर 6-7% बढ़ेगी
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, यदि आपने इसके साथ सागरी का एक इको का ही नया पदार्थ आया है, अगर आपने उसको 500 ml की बोतल के साथ मिला के एक में दो बार स्प्रे कर दिया 5 kg में, तो आप पैदावार और नंबर ऑफ किलर जितने ज्यादा निकलेंगे उतनी ज्यादा पैदावार बढ़ेगी। और दूसरी बात मैं किसान भाइयों ये कहना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिटी भी बढ़िया निकलेगी, जो अनाज की क्वालिटी है वो भी बढ़िया निकलेगी, और जो हमारी फसलों में गिरने का एक समस्या आ जाती है वो भी दूर होगी इससे। और दूसरी बात किसान भाइयों में आपसे बताना चाहता हूँ कि जो पैसा भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में की भारी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है, और आने वाला जो टाइम है अगर हम यूरिया की बात करें 266 रुपये का मोरा है किसान भाइयों, 266 रुपये में लगभग अनुदान जो किसानों के द्वारा जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वो 2183 रुपये है, तो 2450 रुपये का बोरा पड़ता है। इसी प्रकार जो DAP का बोरा है 1350 का, इसमें 2500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है, जो 3851 रुपये का पड़ता है। और जो NPK का बोरा 1216 का है 1470 रुपये का, उस पर सरकार द्वारा 1918 रुपये दिए जा रहे हैं अनुदान के रूप में एक बोरे का, तो जो कि 3388 रुपये का पड़ता है। इस प्रकार अनुदान के रूप में जो करोड़ों रुपए की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा खर्च की जा रही है वो दूसरे विकास कार्यों में लगेगी, और इससे आम आदमी को भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा, राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा फायदा है इसमें अनुदान के रूप में। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब भी किसान भाइयों को इसकी जरूरत पड़ती है खाद की, तो भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, कभी कभी भारी शॉर्टेज हो जाती है, तो नैनो के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नैनो आने वाले समय में इतना प्रोडक्शन इसको कर रही है कि भरपूर मात्रा में ये किसानों को उपलब्ध होगा। किसान भाइयों इसमें ना खसरा फटोने की जरूरत है, ना इसमें अंगूठा लगाने की जरूरत है, ना इसमें मशीन रखने की जरूरत है, चाहे आप 10 बोतल लें चाहे आप 40 बोतल लें, सीधे आए और उसके बोतल को ले जा सकते हैं, ना इसके लिए ट्रैक्टर ट्राली की जरूरत है, ना किसी वाहन की जरूरत है, आप जेब में डाल कर लेकर आराम से भी जा सकते हैं, तो आपका आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसकी भी बचत हो जाएगी। दूसरी बात किसान भाइयों में आपको बताना चाहता हूँ कि ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, भारत सरकार ने इसको अधिकृत किया है किसानों के प्रयोग के लिए, आने वाला जो टाइम है वो नैनो डीएपी में भी किसान भाइयों जो हम उसकी खाद की मात्रा डालने हैं, जैसे 14 किलो 1 kg में गन्ने में बुआई के समय डालते हैं, आप 7 किलो कर दीजिए और उसको नैनो डीएपी जो उपचारित कर दीजिए, आप देखेंगे कि उसकी जड़ नंबर ऑफ पिलर और तने का जो साइज है वो दूसरी फसल के पैसा जो आपने उपचारित नहीं की है उससे उसके रिजल्ट बेस्ट है। तो आने वाला जो टाइम है वो नैनो डीएपी का भी है, उसके ट्रायल चल रहे हैं, हमने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में लगभग 11,000 डेमोस्ट्रेशन इसके लगवाए हैं और सभी भारत सरकार ने इसको ऑथराइज किया है। तो किसान भाइयों मेरा सबसे अनुरोध है कि एक बार नैनो डीएपी का प्रयोग करके अवश्य देखें, इससे आपकी पैदावार निश्चित तौर पर 6-7% बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। किसान भाइयों मैं समझता हूँ कि आपको नैनो यूरिया के बारे में जो भी आपकी शंकाएं थी वो महाप्रबंधक महोदय ने बहुत ही अच्छे ढंग से सरल भाषा में आपको समझाई, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखकर लाभान्वित होंगे और नैनो यूरिया के प्रयोग को अपनी खेती में समावेशित करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।